नथिंग बीच देसी स्टाइल्स पैगटी एंड देसी स्टाइल मेक्रोनीज असलम एवरी वन आज हम बना रहे हैं देसी स्टाइल्स पैगटीज विच आर माई एबसोलूट फेवरेट एंड वेरी ईजी टू मेक इसके लिए मैंने आधा फूल बंद गोभी का ले लिया है एक बड़े साइज़ की गाजर ले ली है दो मैंने शिमला मिर्च ले ली है और एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है हम सबसे पहले अपने वेजिटेबल्स को स्टिर फ्राई करेंगे इसके लिए मैंने पैन में टू टेबल स्पून ऑयल ले लिया है उसमें हम अपनी गाजरें डालेंगे इन माय एक्सपीरियंस गाजरें ज़्यादा टाइम लेते हैं फ्राई होने में तो इसको मैं सबसे पहले डालती होती हूँ इसको हम हाई फ्लेम के ऊपर स्टेयर फ्राई करेंगे हमने अपनी वेजिटेबल्स को यहाँ पे प्रॉपर्ली कुक नहीं करना है अदरवाइज़ दे विल लूज़ देयर फ्रेशनेस हम यहाँ पे इनको दो से तीन मिनट के लिए सिर्फ स्टेर फ्राई करेंगे हाई फ्लेम के ऊपर इसके फ़ौर बाद हम इसके अंदर अपने कैप्सिकम डाल देंगे मैंने इसको मैक्सिमम 30 टू 45 फाइव सेकेंड्स फ्राई किया होगा गाजरों को उसके फ़ौरन बाद मैंने शिमला मिर्च डाल दी है अगर आप लोग इस टाइम के ऊपर साथ ही बंद गोभी भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी हो जाती है तो मैं पहले शिमला मिर्च डालती हूँ उसके बाद मैं बंद गोभी डालती हूँ मैंने यहाँ पे सिर्फ थ्री वेजिटेबल्स लिए हैं अगर आप लोगों के पास रेड बेल पेपर या येलो बेल पेपर अवेलेबल है आप वो भी डाल सकते हैं अच्छा जी अब हमने अपनी बंद गोभी भी डाल ली है हम इसको मैक्सिमम थर्टी टू फोर्टी फाइव सेकेंड्स इसको हम स्टेर फ्राई करेंगे और उसके बाद हमारे वेजिटेबल्स रेडी हैं इसके बाद मैं एक सेपरेट पैन में सॉस बनाऊंगी अगर आप लोग इसी पैन में बनाना चाहते हैं तो आप लोग वेजिटेबल्स को एक प्लेट में निकाल लें इस पैन में मैंने टू टेबल स्पून ऑइल ले लिया है उसमें हम अपना प्याज डालेंगे जो कि हमने पहले से काट के रखा हुआ था इसको मैं एक से दो मिनट के लिए स्टिर फ्राई करूँगी उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट अगर आप लोग पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के फिर प्याज डालना चाहते हैं तो आप उस तरह भी कर सकते हैं इसको भी हम एक से दो मिनट के लिए सौते करेंगे जब तक ये अपना फ्लेवर रिलीज कर दे उसके बाद हम इसमें टू टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट डालेंगे अगर आप लोगों के पास टोमेटो पेस्ट बना हुआ नहीं है तो आप लोग इसमें सिंपल टमाटोस भी डाल सकते हैं टू टू थ्री टु डाल लें तो वो इस पेस्ट के इक्वल हो जाएगा इसके बाद हम इसके अंदर बोनलेस चिकन चंक्स डालेंगे इसे हम दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे जैसे हमारा चिकन कलर चेंज करना स्टार्ट करेगा हम अपने स्पाइसिस डालना स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर मैं डाल रही हूँ वन टी सॉल्ट एंड वन टी स्पून ब्लैक पेपर स्पाइसी को आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लोग ब्लैक पेपर ज्यादा भी डाल सकते हैं अब मैं डाल रही हूँ टू टेबल स्पून सोया सॉस एंड टू टेबल स्पून चिली सॉस इस रेसिपी में मैं कोई भी ऐसा फैंसी इंग्रेडिएंट यूज नहीं कर रही हूँ जो इजीली अवेलेबल ना हो इसके बाद हम लोग डालेंगे वन टेबल स्पून विनेगर इसके अंदर जो मैंने सोया सॉस चिली सॉस और विनेगर डाला है वो तीनों शंगरीला कंपनी के हैं आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं ब्रांड नेम्स इसलिए मैंने कहा मैं पहले ही बता दूँ अपनी स्पैगेटी सॉस को हम दो से तीन मिनट के लिए कवर करके अच्छे से पकाएँगे इस पॉइंट पे आके मैं अपने स्पाइसेस को दोबारा से एडजस्ट करती हूँ क्योंकि एक दफ़ा अगर हम बीच में स्पैगेटीज़ या वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं उसके बाद स्पाइसेस को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो मेक श्योर sure कि आप इसी पॉइंट के ऊपर अपने स्पाइसेस को एडजस्ट कर लें इस पॉइंट पे आके हम अपने स्टेर फ्राइड वेजिटेबल्स को सॉस में ऐड कर देंगे यहाँ पर हम इसको कुक नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी स्टे फ्राइड हैं सिर्फ़ मिक्स करेंगे और उसके फ़ौर बाद हम अपने बॉयल स्पैगेटी ऐड कर देंगे स्पैगेटीज़ को मैंने 90% परसेंट बॉयल किया है क्योंकि वो यहाँ आके भी कुक होते हैं अगर आप इसको 100% परसेंट बॉयल कर लेंगे तो फिर वो बहुत ही जुड़े जुड़े से बनते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं ये बहुत खुले खुले से और अलग अलग से बनने चाहिए इनफैक्ट ये लेंथ में भी टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और उस तरह से लंबे लंबे नहीं रहते जिस तरह से हम सबको पसंद होते हैं आपने इसको मिक्स भी इस तरह से करना है सॉस के अंदर कि ये टूटे मत आप लोग टू स्पून भी ले सकते हैं टू चॉप स्टिक्स भी ले सकते हैं फॉर मी चॉप स्टिक्स हेल्प अलॉट उससे बहुत अच्छे मेरे मिक्स हो जाते हैं इनको अब हम डिश आउट कर लेंगे अगर आपके पास ग्रीन अनियंस हैं तो आप वो डालें मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थे गार्निशिंग के लिए वो बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं ये कितने खुले खुले हैं लेंथ के अंदर भी पूरे लंबे हैं और बहुत अच्छे बने हैं चिकन एंड वेजिटेबल्स की क्वान्टिटी आप अपने मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं एंड वी आर डन इन्जॉय